clase. Back should be straight. Long sitting position में starting position बनाएंगे. जो हम पिछले सत्रों में करते आए हैं प्रिपरेटरी पार्ट वही रहेगा. तो स्ट्रेच पोज को स्ट्रेच करना है सामने की तरफ. स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है. Now stretch your toes towards your body. शरीर की तरफ स्ट्रेच करना है. तो अगेन वन टू टू हील्स साइड अपार्ट, थोड़ा सा दूर एरिया. यहाँ पर साइड वर्ड स्ट्रेच वन. नीज को बैंड करेंगे. अदर साइड टू थ्री फोर. स्ट्रेच एंड फोर फाइव. अगेन हील्स टुगेदर. फिर एडिया एक साथ. नाउ विल रोटेट द टोज इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन. टोज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे स्लोली, धीरे धीरे. वन टू थ्री फोर फाइव. अदर साइड. नाउ विल रोटेट द टोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वन नी शुड बी स्ट्रेट. टू थ्री फोर फाइव. नेक्स्ट बैंड योर लेफ्ट नी. लेफ्ट नी को बैंड करेंगे. थाई पर प्रेस करेंगे. एडी को उठाना है. नी को प्रेस करना है. पोजीशन को होल्ड करना है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. स्लोली अदर साइड. इतना सीधा करेंगे. दूसरे घुटने को मोड़ेंगे. एडी के नीचे हाथ रखेंगे. दूसरे हथेली से नी को दबाएंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. घुटने को सीधा करेंगे. अगला लेफ्ट नी को बेंड करेंगे. लेफ्ट नी को बेंड करने के बाद सोल को घुटने के पास प्लेस करेंगे. नी को सर्कल करेंगे. प्रेस करेंगे. प्रेस करने के बाद होल्ड करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड. यही हम दूसरी तरफ करेंगे. अगेन नी स्ट्रेट. बैंड योर राइट नी. प्लेस द सोल इन अ क्रॉस वेव. एंसर द नी. वही कर रहे हैं जो कर चुके हैं. वन प्रेस टाइटली. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. धीरे से पैर सीधा करेंगे. बैक स्ट्रेट. यहां से सुखासन में बैठ जाएंगे. लेफ्ट पाम से राइट हैंड को होल्ड करेंगे. दूसरी हथेली को सरफेस पर प्लेस करेंगे. स्पाइन को प्लेस करने का प्रयास करेंगे. घुटने को खींचते हुए बाय पुलिंग द नी. वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड. विल स्टेट बैक सीटिंग ऑन के साथ धीरे धीरे दूसरी तरफ से करेंगे. वन 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. अगला हाथ को सीधा रखते हुए क्रॉस में सामने जाएंगे. राइट फोरआर्म को एल्बो पर प्रेस करेंगे. प्रेस करेंगे. शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड. स्लोली चेंज करेंगे. अब
हाथ से करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कमर हमेशा सीधी रहेगी और कंधे को स्ट्रेच करना है एल्बो को प्रेस करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्लोली नेक्स्ट। अगले अभ्यास में लेफ्ट हैंड को उठाते हुए उंगलियों को दूसरे कंधे पर रखेंगे, एल्बो को होल्ड करेंगे, पुल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 other side, we will perform the same from other side. Again, place the fingers on the opposite shoulder, hold the elbow, pull and stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slowly up. Agla abhyas. अपोजिट स्ट्रेच करेंगे, एल्बो स्ट्रेच, राइट एल्बो ऊपर की तरफ, लेफ्ट को नीचे की तरफ, स्ट्रेच एंड होल्ड। 6, 7, 8 फ्रॉम द सेम पोजिशन, पोजिशन को चेंज नहीं करेंगे, अवस्था ये रहेगी। इससे एल्बो को आपस में मिलाते हुए सामने की तरफ रोटेट करना है। 6. Now we will perform in a reverse direction, विपरीत दिशा में करेंगे। अब कोहनियों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाथों को सीधा करेंगे, सरफेस के समानांतर एल्बो शुड स्टेट, कोहनियां सीधी रहेंगी। यहां से केवल शोल्डर्स का मूवमेंट होगा, केवल कंधों का मूवमेंट होगा। रोटेशन ऑफ शोल्डर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सामने तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं जितना नीचे जा सकते हैं पादहस्तासन की तरह। अब दोबारा से उठाएंगे ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए। नेक्स्ट काउंट में फिर सामने की तरफ काम करेंगे। अब पीछे की तरफ जाएंगे, झुकेंगे श्वास को छोड़ते हुए, फिर सीधे जाएंगे। अब लेफ्ट डायरेक्शन में काम करना है, अब माथे को टच करना है, फिर दोबारा से ऊपर अगेन स्टेट अगेन फॉरवर्ड अगेन डाउन हैंड्स बाय द साइड फिर टुगेदर। आरंभिक अवस्था में इंटरलॉक ना भी करें तो और आसानी से इसको किया जा सकता है बिना इंटरलॉक के। एक डिस्क को एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं एक बार और दूसरी तरह से लास्ट टाइम स्लोली परफॉर्म करेंगे, उसके बाद तीन चार रिपीटेशन लगातार करेंगे। कम टू स्टार्टिंग पोजीशन, अब केवल काउंट के साथ, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। वन एयर रूल टू, या फिंगर इंटरलॉक करेंगे या मुट्ठी बंद करके सामने ले आएंगे, ये भी आसान तरीका है। टू, यहां से शरीर को स्पर्श किए बिना काउंट थ्री पर ऊपर ले जाएंगे। थ्री, काउंट फोर पर साइड में टर्न, फोर फाइव निकाल चुके हैं पहले, सिक्स सेवन, अब एट पर पोजीशन को चेंज करेंगे, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। अब इसको जान चुके हैं, अब अभ्यास करेंगे तीन चार रिपीटेशन हर पोजीशन पर, थोड़ा होल्ड करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन लास्ट टू रिपीटेशन। आज सर्वांग पुष्टि का पहला दिन है तो केवल दो रिपीटेशन और लगाएंगे, लेकिन अब पांच सेकंड कम से कम प्रत्येक पोजीशन में होल्ड करेंगे। कम टू स्टार्टिंग पोजीशन, टू थ्री स्ट्रेच फुल्ली थ्री थ्री फोर six, seven,
टुगेदर लास्ट टाइम आज के सत्र में एक बार रिपीट करते हैं। पहला दिन है इसलिए स्लोली कर रहे हैं, इसको नाम है सर्वानुपुष्टि कंपोस्टार्टिंग पोजिशन। अब परफेक्ट करने का प्रयास करेंगे। वन स्लोली श्वास ले
1, 2, 3, 4, 5, 6 up. Slowly up. एक बार वो रिपीट करेंगे इसको. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. ब्रश करना है, कमर को ब्रश करना है, पीठ को ब्रश करना है. 1, 2, 3, slowly up. 1, 2, 3, backward, bending 1 with a press. 2, 3, 4, 5, 6, 7, up. Hands down, relax. We have done two variations of Kati Shakti Vikasak. Kati Shakti Vikasak ke dono mein kisi sambandhit hai? Forward or backward bending se. Aap sideward bending ki baat karte hain. Starting position will be same. पंजे मिलेंगे, बेड़ी मिलेंगे, हथेलियां. शरीर के साथ, हाथ शरीर के साथ. यहां से स्लोली हाथ को रेज करना है. 1, हथेली की दिशा ऊपर की तरफ. 2, 2, 2, 2, 2, 2, इस पोजीशन में आ जाएंगे. ध्यान दीजिए, जैसे हम कटी चक्रासन में करते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है. यहां पर अगर हमने राइट हैंड को ऊपर रेज किया तो लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप्स के नी को टच करते हुए और साइडवर्ड बेंडिंग करनी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नी तक चला जाए हाथ. 2, 3, slow up. धीरे से हाथ को नीचे ले जाना. We are performing the third variation of Kati Shakti Vikasak. दूसरे हाथ को ऊपर ले जाना है, हथेली की दिशा ऊपर की तरफ. Elbow should be straight. 1, we will perform the same. 2, 2, 2, 2, 3. Hold the position, maintain the position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Slowly up. Hands down. धीरे धीरे नीचे लाएंगे. ये हमने किया कटि शक्ति लेकर. यहां से हाथों को सामने की तरफ धीरे धीरे ले जाना. 1, 1, 1, 1. एल्बो स्ट्रेट, हाथ समानांतर रहेंगे आपस में भी और सरफेस के साथ भी. इस पोजीशन से ध्यान दीजिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान में रखनी है वो है कि हमें टर्न करते वक्त पेल्विक बोन को टर्न नहीं करना है. ये पोजीशन यही रहेगी, केवल स्पाइन को ट्विस्ट करना है, इस पोजीशन में टर्न नहीं करना है. ध्यान दीजिए, 1, 1, 1. दोनों हाथों के बीच में वही दूरी बनी रहेगी जो थी. 2, 2, 2. स्पाइन कॉर्ड पर स्ट्रेस आना चाहिए. 3, 4. केवल स्पाइन को ट्विस्ट करना. 3, 4. एल्बो स्ट्रेट, स्लोली अप अदर साइड. 1, 1. दोनों हाथों के बीच समान दूरी बनी रहेगी. पहले बोन को टर्न नहीं करना है, हिप्स को टर्न नहीं करना है. 1, 1, 2. जितना कर पाए. 3, elbow straight, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Once more, एक बार और. 1, 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 2. Hold. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Other side. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Elbow straight. 5, 6, 7,
चार सत्र होंगे तो एक हमारा एक फ्लो एग्रीमेंट बनेगा। दूसरा अभ्यास हमने किया कटी शक्ति विकासक, केवल चार वेरिएशन, दो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, एक साइडवर्ड बेंडिंग, एक ट्विस्टिंग एक्शन। अब आसनास की तरफ बढ़ते हैं, वो आसन करेंगे जो स्टैंडिंग पोजीशन से किए जाते हैं। इस शेड्यूल को 5 दिन रिपीट करेंगे, सर्वापुष्टि को भी, कटी शक्ति विकासक को भी, और जो हम आसनास अब करने जा रहे हैं इन आसनों को भी। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग पोजीशन भी सेम, सबसे पहला आसन एक ट्रेडिशनल आसन, एक पारंपरिक आसन, ताड़ासन। राइट पैर फुट नहीं रहेगा, पैर फुट को थोड़ा दूर प्लेस करते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक किया, शरीर को बिना टच किए शरीर के साथ साथ ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों की दिशा ऊपर की तरफ करते हैं। हम कर रहे हैं ताड़ासन, बॉडी को स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, पूरा एड़ियों को भी नहीं उठाना, पूरा जितना आसमान को छूने का प्रयास। अब एड़ियों को उठा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम कर रहे हैं ताड़ासन, 7, 8, 9, 10, 1, केवल एड़िया नीचे, हाथ को उसी जिस अवस्था से ऊपर गए थे उसी तरह से नीचे लाना और हथेलियों की दिशा धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर लेंगे। हाथ साइड में ले आए, आरंभिक अवस्था में आ जाए। तो ये हमने किया ताड़ासन, उसको भी रोज करेंगे ताड़ासन। अब अगला आसन तीर्यक ताड़ासन। तीर्यक ताड़ासन में एड़िया मिलेगी, पंजे मिलेंगे, उसी तरह से इस प्रकार से फर्स्ट काउंट में पैर को दूर ले देते, दूर ले जाएंगे, पर काउंट में वही जो हमने किया था, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, काउंट 3 में भी वही जो हमने किया था, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन काउंट 4 में ताड़ासन में हमने एड़ियों को उठाया था, इसमें एड़ियों को नहीं उठाना है। इसमें जैसे कटी चक्र आसन में साइडवर्ड बेंडिंग थी उसी प्रकार से करेंगे, 1, 2, 3, 4, हिप को टर्न नहीं करना, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, slowly up, other side, हम कर रहे हैं तीर्यक ताड़ासन, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, slowly up, slowly, slowly, हाथों को नीचे ले जाएंगे, हथेलियों की दिशा ऊपर की तरफ करते हुए, हाथों को साइड में ले जाएंगे, पैर एक साथ। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में से दो कर चुके हैं, एक ताड़ासन किया, एक तीर्यक ताड़ासन किया। अब सिंपल आसन करेंगे अगले दो, एक है कोणासन और एक है त्रिकोणासन। यदि योग साहित्य में अलग अलग प्रकार से दर्शाया गया, लेकिन हम करेंगे सिंपलेस्ट वन, जो सिंपल है, जो आसान है, सरल है। सबसे पहले कोणासन, उसके बाद त्रिकोणासन। स्टार्टिंग पोजीशन से पैर को रूट करेंगे, जैसे कि हमने ताड़ासन में किया था, 1, राइट फुट वहीं रहेगा, लेफ्ट फुट को थोड़ा दूर करना, कंधे के बराबर दूरी। हम कर रहे हैं कोणासन, दोनों हाथों को रेज करना है, एल्बो स्ट्रेट, हमें दोनों हाथों को बॉडी के साइड में ले जाना है समानांतर सरफेस के, मैट से हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ। यहां से कोणासन में दोनों हाथों के बीच 180 डिग्री का ही एंगल बना रहेगा, उस एंगल को चेंज नहीं करना है, और लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप से टो को टच करना है, लेफ्ट हिप के टो को टच करना है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर देखने का प्रयास करना है, 6, 7, 8, 9, 10, दोनों हाथों के बीच
एंगल वही रहेगा। वी विल परफॉर्म द सेम फ्रॉम अदर साइड, इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। वी आर परफॉर्मिंग कोणासन, सरफेस की तरफ
दोनों हाथ पैरल रहेंगे। यहाँ पर बिना कमर को बैंड किए, कमर सीधी रहेगी, धीरे धीरे बैठना है और धीरे धीरे जिसमें से तीन हम पहले कर चुके हैं और तीन नए सम्मिलित करेंगे।
by sitting in Vajrasana. आप धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। दूसरा आसन जो हम कर चुके हैं मंडूकासन। There is no need to explain again. Close your fist. Lower abdomen पर place करना है और head को सामने place कर देना है। One, two, हम कर रहे हैं मंडूकासन। Three, four, five, six, seven, eight, nine, one. ये तीनों आसन तो हम पिछले सत्रों में कर चुके हैं। अब नए आसन पहले करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। इसी पोर्शन से वज्रासन पोर्शन से तीन नए आसन सम्मिलित करने वाले हैं आज के सत्र में। इसी पोर्शन से हिप को रेज करना है और कम ऑन योर नीज बैक टू द स्टेज। यहां से हम कर रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन। धीरे से स्लाइड करते हुए दोनों हाथों को कमर पर रख लेना है। कमर पर रखने के बाद कमर में आर्क लाते हुए पीछे की तरफ देखना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अभी हमने किया अर्ध उष्ट्रासन। Again, bring your hands down. हाथों को नीचे ले आएंगे। यहां से अब करेंगे उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन। हाथ को रेज करेंगे, दूसरे हाथ को रेज करेंगे, दोनों हथेलियों की दिशा सामने की तरफ। यहां से धीरे से हाथ को पीछे ले जाते हुए एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरे हाथ से भी एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे देखने का प्रयास करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सॉरी, हाथ को ऊपर ले जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। वज्रासन में ही बैठ जाएंगे। स्लोली बैक स्ट्रेट। अब ध्यान दीजिए, इसमें आज पिछले सत्रों से केवल दो नए